तो गाइस आज हम कनेक्ट करने वाले लैपटॉप की हार्ड डिस्क को सीधा फोन से। क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, जो बोर्ड का डीसी एडाप्टर है, यूएसबी टू हार्ड डिस्क कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक ओटीजी कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। लैपटॉप की हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने से पहले अपन लैपटॉप हार्ड डिस्क एंड लैपटॉप की एसएसडी को कनेक्ट करके देखते हैं। चलो सबसे पहले एसएसडी को कनेक्ट करते हैं। फोन से कनेक्ट करते हैं, अपन को एक नोटिफिकेशन आता है जो कि कनेक्टिंग का साइन है। अपन स्टोरेज में चेक करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, अपन को दिखाई देता है साफ साफ जो कि 240 GB स्टोरेज दिखा रहा है। एसएसडी भी आप चेक कर लो, 240 GB है। ये है लैपटॉप वाली 320 GB हार्ड डिस्क, इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको कनेक्ट करते हैं, अपन को सिंपली नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब इसको भी स्क्रॉल करते हैं तो अपन को ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये 320 GB हार्ड डिस्क है। तो अब कनेक्ट करते हैं इस हाथी को, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है। सो गाइस ये देखो कनेक्ट हो चुका है फाइनली। मैच यूएसबी ड्राइव ये दिखा चुका है। तो गाइस ये देख सकते हो अवेलेबल 500 GB, चेक कर लो, देखो कैपेसिटी 500 GB दिखा रहा है। तो गाइस होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी टेक्निकल एंड एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।